हाय गाइज, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। और आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं सनाज बकेट के एक वीडियो पर। और ये नया आज ही वीडियो रिलीज़ हुआ है, और आज इस वीडियो का टाइटल है कोरियस प्राइम मिनिस्टर एवर सनाज पकेट। सो इमरान खान की बात हो रही है यहाँ भी। तो इमरान ऑब्वियसली खान पूरे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल पाकिस्तान में। ऑब्वियसली वीडियो भी ट्रेंडिंग में ही चलेगा। तो चलो इसे देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सो हियर वी गो। सलाम मेरे अजीज पंखो, वीडियो शुरू करने से पहले आपके सबमिटेड वीडियो देखो। मेरा नाम मोहम्मद अली है, ये मेरा चैनल है। वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। खुदा आलम वास्ते तो हिंदी बनाया। अगर ये वीडियो किसी को ऑफेंड कर रही है ना, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। लेकिन मुझ जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों को हमारे घरों में तो भाईजान ऐसा माहौल है जैसे ईद आ गई है। इसलिए नहीं कि हमें नए कपड़े मिले, नए जूते मिली या नई ज्वेलरी मिली, भाईजान हमें नया पाकिस्तान मिला है। लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक का कि जिसने हमें बहसियत कौम देर से ही सही पर अकल जरूर दे दी है कि अब हम वाकई कोई मुहब्बे वतन लीडर की जरूरत है। और अल्लाह ने हमें एक ऐसे ही लीडर से नवाजा है। देखो भाई कप्तान साहब, सीधी सी बात है, हम आजकल की जो यूथ है ना वो बाशऊर है। तो आप ये ना समझना कि हमने अगर आपको वोट दे के जितवाया है तो हम हमेशा ही यही करेंगे। हम आपको इसलिए लेके आए हैं क्योंकि आपने वादे किए हैं कि इस पाकिस्तान के करप्ट सिस्टम को बदलेंगे। अगर मैं आज यहाँ बैठ के पीटीआई के जीतने पर इस खुशी में ये वीडियो बना रही हूँ ना, तो खान साहब कल को अगर आपकी कोई करप्शन की बात निकली या फिर पकड़ी गई, अगर हमें ये पता चला कि आप भी अपना पेट भर रहे हो, आप भी इस मुल्क को खा रहे हो, तो मैं कल को बैठ के आपके खिलाफ भी वीडियो बना सकती हूँ। क्योंकि हम ब्लाइंड फॉलोवर्स नहीं है। जो शऊर आपने हमें दिया है ना, हम उसको आप ही के अगेंस्ट यूज भी करना जानते हैं। ते वेख तक के काम करना जी अगे। जिस चेंज का वादा किया है, जिसके लिए इतनी स्ट्रगल की है ना आपने, वो चेंज होता हुआ नजर आना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको पिछली हुकूमतों का फैलाया हुआ रायता हटाना होगा, जिसमें मेहनत और भी ज्यादा लगनी है। लेकिन खैर, अल्लाह आपकी मदद करे। तमाम जज्बाती नूनियों से गुजारिश है कि अब नफरत करना छोड़ दें और पीटीआई की इस जीत को खुले दिल से तस्लीम करें। इस वीडियो को डिसलाइक करने से, इमरान खान को गालियां देने से नवाज शरीफ न तो जेल से बाहर आ जाएगा और न ही नून लीग इलेक्शन जीत जाएगी। सो गो विद द फ्लो। शुक्रिया। अबाउट यू, जरा इमरान खान की विक्ट्री स्पीच सुनते हैं। वैसे मेरी इस बात से ना सब अग्री करेंगे कि इतनी अच्छी ब्रीफ और पावरफुल स्पीच पहले किसी इलेक्टेड पार्टी लीडर ने नहीं दी, जिसको बीबीसी और सीएनएन ने लाइव दिखाया हो। ये मेरी जात की बात नहीं है, मेरे मुल्क की बात है। हमारा जो कॉज है वो मेरी जात से बहुत बड़ा है। सही बात है, लेकिन क्या करें यार, जो हेटर्स होते हैं ना वो टेढ़ी दुम की तरह होते हैं। जब उनके पास लॉजिक और आर्गुमेंट खत्म हो जाता है ना, तो वो फिर जातियात पर उतरते हैं, पर्सनल अटैक्स करते हैं। लूजर्स जो हुआ है, जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। यही बात इस मुल्क को ठीक कर सकती है। ये नहीं चलेगा कि खाता था तो लगाता भी तो था ना भाईजान, अगर खाओगे ना तो हाथ डाल के निकलवा भी लेंगे। अगर हमारे टैक्स का पैसा मुल्क पर लगाया था तो एहसान नहीं किया था। इमरान खान पे रखेगी, इमरान खान के वजीरों पर रखेगी, अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से। देखो ये चीज सिर्फ इसलिए कि आप लीडर हो और जो मर्जी करो कोई पूछेगा नहीं आपको, तो बहुत गलत कल्चर है। लीडर पर तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो बाकियों के लिए एक अच्छे एग्जाम्पल हो। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए हुए, कभी पाकिस्तान की तारीख में रुपया इतना नीचे नहीं गिरा डॉलर के मुकाबले में। हमारी पिछली हुकूमत इतनी गिरी हुई थी, रुपये ने तो गिरना ही था ना खान साहब। कि हम पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया गया। रुके खान साहब रुके, कुछ जलने की स्मेल आ रही है, शायद कुछ लोग बुड़बुड़ भी कर रहे हैं। बहुत सारी बर्नोल की जरूरत है, वैसे बहुत बिकनी है बर्नोल इन दिनों में। वैसे टूथपेस्ट भी जले पे अच्छा काम कर जाती है। मुझे शर्म आएगी कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहूंगा इतना बड़ा महल के अंदर। देखो देखो पाकिस्तानियों, ऐसा होना चाहिए, एक लीडर जहाँ लोग भूख से मर रहे हैं वहाँ तुम्हारे सो कॉल्ड लीडर्स इतने बड़े महलों में रहते हैं, बाहर प्रॉपर्टीज बना रहे हैं। देखो यार, इस बंदे के नजदीक पीएम हाउस में रहना भी गलत है, तो खुद सोचो इससे अच्छा लीडर कहाँ मिलना है तुम लोगों को। इसको हम कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। खुशी के आंसू आ गए कसम से। वाकई क्या मिलेगा इतने बड़े पीएम हाउस में रहने के बाद, इससे बेहतर है कि उसको आवाम के लिए यूज किया जाए। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में ये फैसला किसी ने नहीं किया, सबको शशके लेने की पड़ी होती थी। हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज करेंगे। बिल्कुल सही भाई, आखिर मिनिस्टर्स भी तो हमारी तरह के इंसान ही होते हैं ना, तो फिर उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? बहुत आला। सऊदी अरेबिया हमारा सबसे एक ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है।
खान साहब सऊदीया से ना शवरमे भी मंगवाने पाकिस्तान के लिए, मैंने वहाँ के जितने भी खाए हैं ना कसम से रोना ही आया है यार। शवरमे में चटनी, खीरे, गाजर, लाल मिर्चे, केचप, बंद गोभी नहीं डलती। अच्छा शवरमा इंपोर्ट करें सऊदीया से ताकि रिलेशंस अच्छी हो। और हाँ, अलबेग की भी बड़ी जरूरत है पाकिस्तान में। मेरे सऊदीया में रहने वाले पंखे समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ ये पिछले चंद दिन ये इलेक्शन में कि जो हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह मेरी मुझे पोर्ट्रे किया, ऐसे लगा जैसे मैं कोई बॉलीवुड फिल्म का विलन हूँ। हाय खान साहब करते रहने दें, उनके लिए तो आप विलन ही है ना, हमारे लिए आप हीरो हैं। जब से आपने हमें वर्ल्ड कप जितवाया आप तब से हमारे हीरो हैं और उनके लिए विलन। खैर है वहाँ तो स्यापा पड़ना ही है ना। आज पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है धांधली हुई। एक मिनट खान साहब, खुद PMLN और PPP ने मिल के इलेक्शन कमीशन चूज किया, पर जब हार गए तो खुद ही रोना शुरू कर दिया कि धांधली हुई है। लख दिन नारक तेरे मुंह ते। कोई हलका आप खोलना चाहते हैं? जो आप कहते हैं धांधली होगी, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं खान साहब, ये लोग इतनी इज्जत के हकदार नहीं है, इनको बोलने दे, रोने दे। इन्होंने पूरे मुल्क को रुलाया है, आज खुद रो रहे हैं तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इनके नजदीक तो हमारा कुत्ता कुत्ता और इनका कुत्ता टॉमी। ये हारे तो धांधली, आप हारे तो आदत। छड़ो यार, खुदा दा वास्ते तुहानू। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, इतना अच्छा काम करें कि आपके हेटर्स भी आपके फैन हो जाएं। हमें मायूस ना करियो, पहले बहुत मायूसी के 71 साल गुजारे हैं हमने। और इसके साथ साथ अब बिग शाउट आउट टू आर्मी जो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, पर लोग स्टिल इनको गालियां दे रहे हैं। यार अपने ही मुल्क की आर्मी को गाली कौन देता है? ये वही लोग हैं जिनको घर में कोई मुंह तक नहीं लगाता। अबे निकलो यहाँ से, ये आर्मी अपनी जान तुम्हारे लिए खतरे में डालती है, तुम बस बकवास कर देते हो बैठ के। ये आर्मी हट जाए ना हर जगह से तो मैं देखती हूँ तुम आराम से सांस तक कैसे ले पाते हो। जाओ ना जरा तपती धूप में इतनी भारी यूनिफॉर्म पहन के, धूप में हैवी गन्स लेके 24 घंटे चौकन्ना रहो इस मुल्क की मोहब्बत में, तो पता चले तुम्हें। बातें करवा लो इनसे, बहुत अच्छा काम किया इलेक्शन के दिनों में हमारी फौज ने। मेरा सलाम सब फौजियों को, बहुत शुक्रिया हमारी हिफाजत के लिए। और आखिर में ये बता दूं कि हमारे खान साहब अभी जीते ही हैं और गोरों को अपनी उंगलियों पे नचवा दिया। गोरा भी खुश है इलेक्शन से और हम भी खुश हैं कि चलो यार अब श्रेक और दूसरे तीसरे कैरेक्टर्स का सफाया हो गया। अगर तुमने अभी तक खान साहब की स्पीच नहीं सुनी तो जाओ सुनो। और तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, मेरी लास्ट वीडियो देखनी है, अगली वीडियो का टॉपिक भी बताना है, इंस्टा ट्विटर पर फॉलो भी करना है, बहुत सारे काम है भाई, तुम वो सब कुछ करो। और फिर मैं मिलती हूँ तुमसे 2 दिनों बाद एक नए टॉपिक के साथ। क्योंकि हमारा माइक टेबल पर ही रह गया था। इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अब फिर से तो हम बनाएंगे नहीं वीडियो, क्योंकि रिएक्शन जो होता है ना एक बार में आता है। वैसे रिव्यू के टाइम पे माइक वापस आ गया है। हाँ, रिव्यू के टाइम पे, क्योंकि हमने वीडियो पूरा देख लिया है और आपने हमारा रिएक्शन भी देख ही लिया और आप समझ जाते हैं, इतना तो आप हमें समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हो, आप समझ रहे हो। रिव्यू की जरूरत पड़ेगी? क्यों नहीं पड़ेगी रिव्यू की जरूरत, डेफिनेटली पड़ेगी। वीडियो है वैसे सना ने ना मतलब हमने इमरान खान की जो लास्ट में स्पीच पर रिएक्शन जो दिया था वो सिर्फ इंडिया के बारे में थी, और सना ने पूरी ओवरऑल स्पीच का रिव्यू दिया है बेसिकली। कुछ इसमें कुछ काम की चीजें बताई है। हाँ, तो जैसे अपने देखा था खाली कि वो सिर्फ इंडिया का बताया था, सिर्फ ओनली इंडिया। इन्होंने बिल्डिंग क्या क्या यूज करेंगे, क्या यूज नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजों का। और वो उनकी जो बात थी, जो उनका जो प्राइम मिनिस्टर वाला जो हाउस रहता है, उसी की बात कर रहा हूँ, कौन कहाँ पे क्या यूज़ वो वहाँ पर, वो मुझे बहुत सही लगा यार, बहुत सही आइडिया लगा। इंडिया में भी ऐसा ही है कि यहाँ पे राष्ट्रपति भवन इतना बड़ा है और प्रधानमंत्री भवन बहुत बड़ा है, और सिर्फ इंडिया के एक राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम, वो थे ऐसे, उन्होंने बहुत मतलब अपनी जेब से अगर पार्टी भी देते तो सरकारी कोष से पार्टी नहीं देते, वो बोलते मेरी सैलरी में से लो। क्या बात है, ऐसे थे हमारे अब्दुल कलाम। तो अब्दुल कलाम सर का आज वो भी है बर्थडे। ओके, सो बहुत सही इंसिडेंट, बहुत सही टाइम पे याद किया। और सना जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बोलती है ना, और सॉरी डिस्क्लेमर बोलती है, वो बहुत सही लगता है। वो जो पतली आवाज कर देती है और वो हेड में बोलती शुक्रिया, तो वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। सही है, ऐसा लगता है किसी रोबोट से मिलवाया। हाँ, और सना को अगर मतलब पूरे वीडियो में वो वॉइस ओवर करती है तो इतने सारे क्लिप्स ढूंढना कितना मुश्किल रहता होगा ना, एक एक चीज का एक एक क्लिप, 2 दिन इसीलिए लग जाते, मतलब एक एक वर्ड का एक एक क्लिप कहाँ से लाना पड़ता होगा और कितनी मेहनत करना पड़ती होगी सना को, क्योंकि और तो और 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करती है, वीक में 3 अपलोड करती है, तो बड़ी बात है।
और सना के चैनल पर मैंने देखा उन्हें कम्युनिटी टैब भी मिल गया है। तो ऐसा हम होप करते हैं कि वो इस वीडियो को अपने कम्युनिटी टैब में शेयर करें। वी जस्ट होप कि इतना तो कर ही सकती हैं। ये तो बनता है। तो अभी तक तो उन्होंने हमारी बातें सुनी है, हो सकता है ये भी सुने और कर दें। सना भी अच्छी फॉलोअर होंगी यार अपनी, अगर अच्छी वीडियो करते हैं हम उनकी रिएक्शन तो रिव्यू भी अच्छे देते हैं। आपने हमें रोस्ट किया तो भी हमने अच्छा रिव्यू दिया। हाँ, हम तो तारीफ ही करते हैं, तारीफ ही करते हैं। ओवरऑल ये वीडियो टॉपिक जो है ना, इन्होंने सही लिया है और ट्रेंडिंग टॉपिक है तो ऑब्वियसली। और जितने भी रिएक्शन चैनल्स देखोगे सब पर अभी इमरान खान इमरान खान इमरान खान ही चल रहा है। हर किसी को चाहिए क्या व्यू, और अभी व्यू कौन दे रहे हैं? इमरान खान। सही बात है यार, सब व्यू के पीछे सारे यूट्यूबर्स इमरान खान चाहे हुए भाई। कोई कपिल देव को लेके बैठ गया तो कोई असदुद्दीन को लेके बैठ गया। इंडियन मीडिया भी न्यूज़ कपिल सॉरी इमरान खान को लेकर बैठी है। इंडियन यूट्यूबर भी इमरान खान को लेकर बैठे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर और न्यूज़ चैनल भी इमरान खान से अभी काफ़ी सारा पैसा कमा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं, यार। ओवरऑल बहुत अच्छा लगा हमें वीडियो। और इमरान खान लगता है सच में ना तब्दीली ला देंगे। गोरों को भी नचवा दिया उन्होंने। सो गाइस यार, अब हमको तो भी कमाने दो, थोड़ा लाइक वाइक शेयर वेयर कमेंट कर दो यार थोड़ा। हाँ, और कमेंट करके बताओ अपने सजेशन। सनावाजी आप अगर शेयर कर देंगे अपने कम्युनिटी टैब में तो हमारा और काम बन जाएगा थोड़ा बहुत। हाँ, और लाइक कर देना इस वीडियो को। और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।